राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्चिंग सोल। आइए जानते हैं रामायण से जुड़ी कुछ कहानियाँ। माँ सीता जनक की नहीं भूदेवी की पुत्री थी। वे धरती पर माँ लक्ष्मी की अवतार थी। अद्भुत रामायण में एक उल्लेख है जिसमें रावण कहता है, जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूँ तब वह मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण की इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। ग्रतिस्मत नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में उसके अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की कुछ बूंदे डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था तब रावण इनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मार कर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विषय, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से बहुत दुखी थी। एक दिन जब ब्राह्मण बाहर गया था तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहाँ से जनक ने उसे प्राप्त किया। वह स्थान था बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव, जहाँ राजा जनक ने हल चलाया था और हल चलाते समय हल एक धातु से अटक गया और वहाँ से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर मनमोहक कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री रूप में स्वीकार किया। हल का फल जिसे सीप कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। जब रावण भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश गया था तब उन्हें नंदी के द्वार पर रोक लिया गया। रावण ने नंदी का मजाक उड़ाया था। इस पर क्रोधित होकर नंदी ने उसे श्राप दिया था कि जिस बल और साम्राज्य पर तुम फूलते हो उसका विनाश जानवर ही करेंगे, और यह श्राप सच हुआ और वानर सेना द्वारा रावण के साम्राज्य का विनाश हुआ। भगवान राम और उनके भाइयों के पहले राजा दशरथ को कौशल्या से शांता नामक एक बेटी हुई थी। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी और उनके पति राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी पुत्री दान में दी थी। हमें ये तो पता है कि लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे, पर शत्रुघ्न और भरत क्या थे? आइए बताते हैं। भगवान राम विष्णु का अवतार थे, भरत उनका सुदर्शन चक्र, शत्रुघ्न शंख और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए इतने तत्पर थे कि वे 14 साल के वनवास के दौरान एक क्षण को भी नहीं सोए। नींद की देवी निद्रा ने कहा था कि उनकी जगह किसी और को सोना होगा, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 साल तक सोती रही और मेघनाद को वरदान मिला था कि उसे केवल वो ही हरा सकता है जो नींद को हरा चुका हो, इसलिए लक्ष्मण मेघनाद का वध कर पाए। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 1,750,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जल डमरू मध्य में
श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की। और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल का नाम आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है।